नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीकेस्टू चैनल। स्वागत है आपका यहाँ पर। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, टुडे वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स। बिसाइड दिस, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव, चाहे वो SSC एग्ज़ाम हो या फिर रेलवेज का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, जिसमें साइंस पूछते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए भी जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। तो जानते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। डिफरेंट शेल्स में ये शेल्स हैं। फर्स्ट शेल को बोलते हैं के शेल, फिर एल, फिर एम, और लास्ट में होती है एन शेल, के एल एम एन की फॉर्म में। तो ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो जो लास्ट शेल होते हैं, इसको बोलते हैं हम, कौन सी शेल है ये, इट इज़ आउटर मोस्ट शेल। इसी शेल पर डिपेंड करता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉन जो आते हैं या जाते हैं वो इस शेल से आते हैं, आउटर मोस्ट शेल में ही जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं इस शेल के ऊपर। तो दोस्तों, पूरा खेल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो इस शेल के ऊपर ही है। जानते हैं क्या होता है। अगर कोई एटम है, आप पहले तो ये जान लो कि एटम और आयन में डिफरेंस क्या होता है, ये मालूम है आपको, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। मैं लिख रहा हूँ एक Na और लिख रहा हूँ Na+। Na इज़ अ सिंबल ऑफ सोडियम, सिंबल है सोडियम का। तो Na और Na+ में डिफरेंस क्या है आपको पता है? Na इज एटम बट Na+ इज आयन। तो Na से Na+ कैसे बना होगा? जब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो Na+ निकल के आया। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया है। बट अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले और नेगेटिव आयन फॉर्म करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब आया है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन का आने की प्रॉपर्टी एटम के अंदर, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो इलेक्ट्रॉन आता है एटम के अंदर, हर एटम की अपनी अलग स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। आप ज़रा सोचिए कि जो मेटल्स होते हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे? क्या उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा? नहीं होने का, बिकॉज मेटल्स रिलीज इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, चाहे वो Na है, चाहे वो कैल्शियम है, चाहे वो मैग्नीशियम है, चाहे वो एल्यूमिनियम है, ऑल दीज आर मेटल्स एंड दे गिव इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने की नहीं है, होती है लेकिन बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ मेटल आर इज़ वेरी लो। बट अगर बात करें वहीं नॉन मेटल की, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे नीड इलेक्ट्रॉन्स टू कम्प्लीट देयर ऑक्टेट। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट के लिए हमें 8 चाहिए होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा इसको, देन 8 बन जाएंगे एंड इट बिकम स्टेबल, मतलब Cl से ज़्यादा स्टेबल, Cl माइनस होगा। बात समझ में आ रही है? अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो Cl ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो कुछ एफिनिटी, कुछ लव दिखाया, कुछ प्यार दिखाया इलेक्ट्रॉन के प्रति, भाई मुझे तुमसे प्यार है, आओ मिलते हैं, एक साथ रोमांस करते हैं। तो यहाँ रोमांस होगा, रोमांस तब होगा जब इसको नीड होगी Cl को। Cl को नीड है क्योंकि इसको स्टेबल होना है, इसको अपनी लाइफ में स्टेबल होना है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है नॉन मेटल्स की ज़्यादा होती है और मेटल्स की कम होती है। तो समझ में आया व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना एटम, तो एनर्जी रिलीज करता है। इट इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज करता है। क्यों करता है रिलीज एनर्जी? बिकॉज अभी जो Cl है, इट इज़ अनस्टेबल। आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है कि लो एनर्जी है, और अनस्टेबल का मतलब कि हाई एनर्जी है।
तो हाई एनर्जी से अगर वो लो एनर्जी में आया है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ गई होगी, वो रिलीज़ की गई होगी। दोस्तों जो Cl है उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्या बन गया, Cl माइनस वन बन गया। ये जो Cl है इट इज़ अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है, और जो Cl माइनस वन है वो स्टेबल है। अनस्टेबल की एनर्जी हाई होती है, स्टेबल की एनर्जी लो होती है। तो भाई जो एनर्जी डिफरेंस है हाई एनर्जी से वो लो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो एनर्जी कहाँ गई बीच की, वो रिलीज़ हो गई, वो एनर्जी रिलीज़ हो गई, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है। बात समझ में आई कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि वॉट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोस्तों अगर केमिस्ट्री के बारे में और भी लेक्चर्स आप चाहते हैं और वीडियोस आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए ये वीडियो कैसी लगी। और आप अगर चाहते हैं कि पर्सनलाइज ट्यूशन आपको चाहिए, कोचिंग चाहिए या कोई भी गाइडेंस आपको अगर चाहिए मुझसे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट दिया है, यू कैन रीच मी यूजिंग दोज कॉन्टैक्ट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड रिकमेंड योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ विच इज़ यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर यू। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।